इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संरेख के बारे में। संरेख जिसको हम कहते हैं कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित है तो वे संरेख कहलाते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन से अधिक बिंदु यदि एक रेखा पर, यदि एक रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं। देखिए जब हमको ये दिया हो कि सिद्ध करिए कि ये तीन बिंदु संरेख हैं तो हमको ये पता होना चाहिए संरेख का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि तीन बिंदुओं से निर्मित, तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं। संरेख का मतलब है कि जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। या दूसरी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि यदि तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। तीसरा तरीका यह है कि यदि हम तीन बिंदुओं में से प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, यदि AB प्लस BC का योगफल AC के बराबर हो या AC प्लस BC का योगफल AB के बराबर हो या BC प्लस AB का योगफल AC प्लस AB का योगफल BC के बराबर हो, अगर ये तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होती है तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। याद रखिए तीन बिंदु कब संरेख होते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं या उनको कोलिनियर कहा जाता है। दूसरा तरीका है संरेख प्रूफ करने का, यदि तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। तीसरा तरीका है यदि कोई भी दो बिंदु लेकर अगर हम AB और BC का योगफल AC के बराबर दिखाएं या AC और BC का योगफल AB के बराबर दिखाएं या AC और AB का योगफल BC के बराबर दिखाएं तो हम कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं। यहाँ पर हम एक प्रश्न करते हैं, जैसे ये है क्या बिंदु 1.5, 2.3, -2.11 संरेख हैं या नहीं। तो हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। हम देखते हैं जैसे कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने पर सबसे पहले इन बिंदुओं को हमको कार्तीय तल पर निरूपित करना पड़ेगा। सबसे पहले 1.5 बिंदु है, ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस बिंदु प्रथम चतुर्थांश में आता है। 1.5 का मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी 1 मात्रक और y अक्ष पर चली गई दूरी 5 मात्रक है। तो अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 1, 2, 3,
फोर और फाइव मानते हैं तो यह बिंदु वन कामा फाइव होगा। इसी तरीके से टू कामा थ्री बिंदु जो होगा वो भी प्लस प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो टू कामा थ्री यानी एक्स अक्ष पर छड़ी की दूरी टू हो गई और वाई अक्ष पर छड़ी की दूरी तीन हो गई, तो यह बिंदु टू कामा थ्री जिसको हम बी कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा बिंदु माइनस दो माइनस ग्यारह है, माइनस दो माइनस ग्यारह जो है तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तो एक्स अक्ष पर छड़ी की दूरी माइनस दो यानी माइनस एक माइनस दो और वाई अक्ष पर छड़ी की दूरी माइनस ग्यारह होगी, इसलिए माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः माइनस सात माइनस छः माइनस सात माइनस आठ माइनस नौ माइनस दस माइनस ग्यारह। तो हम यहाँ देख सकते हैं माइनस दो और माइनस ग्यारह बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। अब क्या आप बता सकते हैं इन तीनों बिंदुओं ए और बी सी से एक रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात यह तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं स्थित हैं, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। तो ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो आप लिख देंगे इसके आंसर में, ये लिख सकते हैं अगर ग्राफिकल मेथड से आप देखेंगे, ग्राफिकल मेथड में आप देख सकते हैं चूंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, चूंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात तीनों बिंदुओं से एक रेखा नहीं खींची जा सकती, तीनों बिंदुओं से एक रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। दूसरे तरीके से ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ए और बी के बीच की दूरी के फार्मूले से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से निकाल लें ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी, अगर ए बी बी सी और ए सी में से किसी दो का योगफल तीसरे के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे दोनों बिंदु संरेख हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं ए और बी के बीच की दूरी ए बी निकालते हैं, जिसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। इसमें अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी में ए बिंदु को एक्स वन वाई वन मानेंगे और बी बिंदु को एक्स टू वाई टू मानेंगे। आपको पता है फार्मूले में होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मतलब बी में टू हो गया, बिंदु बी का टू, और एक्स वन का मतलब बिंदु ए में वन, प्लस वाई टू आपका देखिए बिंदु बी से तीन और बिंदु ए से y1 के लूप पांच होगी। अब दो में से आपको पता है एक घटाने पर एक आता है और तीन में से पांच घटाने पर माइनस का दो आएगा, तो वन का स्क्वायर आपका वन होगा जबकि माइनस दो का स्क्वायर चार होगा और इसका आ जाएगा सरल करने पर रूट फाइव। इसी तरीके से जैसे आपने ए बी निकाला है फिर बी सी और ए सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए BC के लिए जो B बिंदु है वो है आपका 2 कामा 3, तो इसको हम X1 कामा Y1 मान लेंगे, यानी यहाँ से X1 की वैल्यू 2 आएगी और Y1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से C बिंदु है आपका माइनस 2 कामा माइनस 11, तो इसको हम X2 Y2 मान लेंगे, अर्थात यहाँ से X2 की वैल्यू माइनस 2 और Y2 की वैल्यू माइनस 11 आ जाएगी। अब जब हम BC निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यानी एक्स टू में से एक्स वन को घटाना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस टू में से टू को घटाएंगे, फिर माइनस ग्यारह में से तीन को घटाएंगे, माइनस दो ये आपको मालूम है माइनस चार हो जाएगा इसका स्क्वायर, और माइनस ग्यारह माइनस तीन माइनस का चौदह हो जाएगा इसका स्क्वायर,
अब माइनस चार का स्क्वायर का मतलब माइनस चार को माइनस चार से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और चार का चार से गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। और माइनस 14 का स्क्वायर निकालेंगे यानी माइनस 14 को माइनस 14 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी, और 14 का 14 से गुणा होगा 196 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 10 11 के 1, 1 हाथ से 1 1 2 196, और 16 जोड़ने पर 212 आता है। अब आप चाहें तो 212 का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, 2 1 2 2 0 2 6 12 2 5 10 2 3 6, यानी इसको हम ले सकते हैं 2√53 मात्रक, यानी बी और सी के बीच की दूरी 2√53 मात्रक आ गई। इसी तरीके से हम सी ए निकालेंगे, सी ए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी बिंदु जो है ये आपका -2 -11 है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू -2 आएगी और y1 की वैल्यू -11 आएगी। इसी तरीके से ए बिंदु जो कि 1,5 है, इसको हम x2,y2 ले लेंगे, तो यहाँ से x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू आपकी 5 आएगी। अब आप जब सी ए निकालेंगे तो सी ए के लिए फिर वही x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी 1 में से -2 को घटाना है आपको, और 5 में से -11 को घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 में से -2 को घटाएंगे तो ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, तो ये 1+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 5+11 का होल स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं 1+2 3 का स्क्वायर हो गया, और 1+11 16 का स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 9 है, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो 256 में 9 जोड़ेंगे तो 256 और 460 और 565 265 आ जाएगा। अब 265 के भी अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 50 25, हाथ से लगा 1 5 15, यानी इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ए बी या बी सी का योगफल करें तो ए सी के बराबर नहीं आएगा। अगर हम चूंकि ए बी और बी सी का योगफल ए सी के बराबर नहीं है, या ए बी प्लस ए सी का योगफल बी सी के बराबर नहीं है, या बी सी प्लस ए सी का योगफल ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं कि वो तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, या फिर हम दूरी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से भी पता लगा सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। अगर आप ग्राफिकल मेथड से पता करते हैं कि तीन बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो पहले आपको ग्राफ पेपर पे वो तीनों बिंदु को निरूपित करना होगा, उसके बाद आप देखेंगे क्या तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है या नहीं। यदि तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है तो इसका मतलब यह तीनों बिंदु संरेख है, अदरवाइज वो तीनों बिंदु संरेख नहीं। या दूसरा तरीका, जैसा कि हमने बताया कि तीन बिंदुओं में से पहले आप ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी ए सी निकालेंगे। यदि ए बी और बी सी का योगफल ए सी के बराबर आए, या बी सी और ए सी का योगफल ए बी के बराबर आए, या ए बी और सी ए का योगफल बी सी के बराबर आए, तो आप कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख है, अदरवाइज वो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। जैसा कि इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि ए बी और बी सी का योगफल ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, या बी सी और ए सी का योगफल भी ए बी के बराबर नहीं आ रहा है, या ए सी और ए बी का योगफल बी सी के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। धन्यवाद।